हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल फूड कक्षा। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए अरबी के पत्तों के पतौड़े बनाना। इनको बनाना भी बहुत इजी है। इसके लिए हमने लिए हाफ केजी अरबी के पत्ते। इनको मैंने धोकर पोंछ लिया था और ये पीछे से इनकी जो डंडी होती है सब पत्तों की कट कर ली थी। आइए देख लेते हैं इसको बनाने के लिए हमें क्या चाहिए। इसके लिए हमने लिया 350 ग्राम बेसन, एक चम्मच अजवाइन हाथों से क्रश करके लिए, इसमें ऐड की हाफ टेबल स्पून हल्दी, हाफ टेबल स्पून मिर्च पाउडर, 1 टेबल स्पून सौंफ पाउडर, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1 टेबल स्पून चाट मसाला, हाफ टेबल स्पून नमक, ये आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, 4 चुटकी हींग। सारे मसालों को बेसन में अच्छे से मिक्स कर लिया। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे। पानी हम एक बार में इकट्ठा नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। देखिए अभी इस तरीके का पेस्ट बनके एकदम तैयार है। अब हमने ली इस तरीके की एक थाली, इसे उल्टा करके रख लिया। अब हमने इस तरीके से पत्ता रख के हाथ के प्रेशर से इसको कट करके फ्लैट कर लिया। अब हम इस तरीके से इस पे बेसन लगाते जाएंगे। आप चाहें तो हाथ से भी बेसन लगा सकते हैं। इस तरीके से पत्ते रखते जाएंगे और बेसन इस पर लगाते चले जाएंगे। अभी लगभग 6 से 7 पत्ते हो चुके हैं। मैं इसको चारों तरफ से फोल्ड कर लूंगी। देखिए बिल्कुल इस तरीके से मैं इसको हर फोल्ड पर चिपका लूंगी और अब मैं इसका रोल बना लूंगी। देखिए बिल्कुल इस तरीके से रोल बनकर तैयार है। ये मैंने इसकी साइड भी चिपका के 4 रोल बना के तैयार कर लिए हैं। अब मैंने कढ़ाई में लिया 1 गिलास पानी। इसके ऊपर मैंने चलनी रख दी। इसको मैंने ऑयल से पहले ही ग्रीस कर लिया था। इस चलनी में अब एक एक करके सारे पतौड़ों के रोल को रख लेंगे। अब हम सब पर हल्का हल्का ब्रश से ऑयलिंग कर देंगे। अब हम पतौड़ों को ढककर लो टू मीडियम फ्लेम पर 15 मिनट के लिए स्टीम होने देंगे। 15 मिनट हो गए, हम एक बार इसको चेक कर लेंगे। हम 10 मिनट के लिए अभी और रख देंगे। अब टोटल 25 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसको चेक कर लेते हैं। हम इसको एक नाइफ से चेक करेंगे। नाइफ हमारा क्लीन है दोनों तरफ से, इसका मतलब ये अंदर तक अच्छे से पतौड़े स्टीम हो चुके हैं। गैस को ऑफ करके 10 मिनट बाद हम इसको प्लेट में निकाल लेंगे। 1 घंटे के लिए हम इनको ऐसे ही छोड़ देंगे ठंडा होने के लिए। अब हम इनको हाफ हाफ इंच के पीसेस में कट कर लेंगे। अब हम इनको शैलो फ्राई करेंगे। अब एक पैन में लिया 3 चम्मच ऑयल और एक एक करके इसमें पतौड़ों को रख दिया। मैं इनको शैलो फ्राई कर रही हूँ, आप चाहें तो इनको फ्राई भी कर सकते हैं। अब एक फॉक की हेल्प से अलट पलट करते हुए गोल्डन ब्राउन होने तक सेक लेंगे। आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। देखिए अभी दोनों तरफ से गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। अब हम इनको प्लेट में सर्व कर लेंगे और गैस को ऑफ कर देंगे। अब मैंने इन पतौड़ों को चटनी के साथ सर्व कर लिया है। आप चाहें तो सॉस के साथ या चटनी के साथ, किसी के भी साथ एंजॉय कर सकते हैं। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो आप मेरे चैनल फूड कक्षा को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फ्रेंड कोई इजी रेसिपी लेकर अगली वीडियो में। बाय बाय।